हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल करू वाटिका में। दोस्तों, ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है मनी प्लांट का, और भी जो आपको दिखेंगे वो सब ऐसे प्लांट मैं आज लेके आई हूँ जिनको लगाने से आपके घर में खुशहाली आएगी, शांति आएगी और लक्ष्मी जी का वास होगा। तो इन्हीं में लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है मनी प्लांट का नाम, जो कि नाम से ही प्रतीक है, मनी को अट्रैक्ट करने वाला प्लांट। लोग ऑफिस टेबल पर भी इसको लगाना पसंद करते हैं और इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं है, 40-50 रुपए में ये आ जाता है। और कटिंग से तो आप कभी भी इसको ग्रो कर सकते हो। और इसके बारे में ये है कि चोरी किया हुआ मनी प्लांट फ़ायदा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने एफर्ट्स करके, अपने पैसे खर्च करके खुद का प्लांट लेके आइए और फिर इसको ग्रो कीजिए, तभी आपको अच्छे से इसका बेनिफिट मिलेगा। वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा प्लांट है, पॉजिटिविटी को लेकर आता है ये, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसको लगाना अच्छा माना जाता है। और फिर हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है तुलसी जी का। ये एक रिलीजियस प्लांट है और मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है। इसकी जो पूजा वो संडे के दिन लोग करते हैं, संडे को इसमें पत्ती तोड़ना और पानी देना इसको अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर कोई कन्या इसके नीचे दीपक जलाती है शाम के टाइम तो बहुत अच्छा माना जाता है। और ये विष्णु जी का बहुत प्रिय प्लांट माना जाता है, इसलिए अगर हम इसको लाकर केयर करते हैं तो लक्ष्मी जी अपने आप ही खुश हो जाते हैं हमारे इस काम से, और लक्ष्मी जी हमारे ऊपर बौछार करती हैं, पैसों की कोई कमी नहीं रहती हमारे घर में अगर हम तुलसी जी की अच्छी केयर करते हैं घर में लाकर। और इसको जो लगाने की सही डायरेक्शन है, नॉर्थ में या ईस्ट में लगाना सही रहता है। सर्दी से इसको बचा कर रखना होता है, तभी आपको गर्मी में ये सही पनपेगा ये प्लांट। और फिर आता है हमारा शमी प्लांट। शमी प्लांट शनि देवता का प्रतीक माना जाता है, और अगर हम नर्सरी से इसको लेके आ रहे हैं तो हमें सैटरडे का ही दिन सिलेक्ट करना चाहिए इसको लेके आने का, क्योंकि वो दिन शुभ होता है। इसकी पूजा करने से जो शनिवार को अगर तेल का दीपक इसके नीचे लगाते हैं तो शनि देवता खुश होते हैं। देखिए, अब अगर शनि देवता खुश होंगे तो हमारे ऊपर लक्ष्मी जी अपने आप ही खुश होंगी और हमारी सभी समस्याओं का निदान होगा और हम खुशहाली का जीवन व्यतीत करेंगे अगर हम लाकर इसकी सेवा करते हैं तो। और इसकी जो शेप है पत्तों की, वो छुई मुई का जो प्लांट नहीं होता बिल्कुल वैसी लगती है, बट ये वो प्लांट अलग है, ये अलग है। और इसमें तो ब्लूमिंग भी होती है, मेरे वाले में येलो और मजेंटा कलर की ब्लूमिंग होती है। और अगर नीचे घर में इसके लिए जगह नहीं है तो आप टेरिस पे भी इसको साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर धूप नहीं आती तो आप इसको पूर्व में रख सकते हैं, क्योंकि ये धूप का प्लांट अच्छी धूप में चलने वाला प्लांट माना जाता है। विंटर पीरियड इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है। फिर आता है हमारा लकी बैम्बो का प्लांट। ये काफ़ी कॉस्टली माना जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट तो होता ही है ये, और ऑफिस टेबल पे भी रखना शुभ समझते हैं लोग, जो ये ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। इस फॉर्म में भी काफ़ी लेके आते हैं लोग, लेकिन इसको खरीदते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई स्टिक येलो ना हो, क्योंकि अगर एक स्टिक येलो होती है तो धीरे धीरे सभी स्टिक इसकी येलो होनी शुरू हो जाती है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है मेरी, अगर आप चाहें तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं इसकी केयर और इसके वास्तु के हिसाब से इसका क्या बेनिफिट है सब है। इसके जो स्टिक है वो 150-200 रुपए में एक आती है, और लगाने की सही डायरेक्शन इसकी ईस्ट मानी गई है, तो हमें अगर हम सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमें अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके पॉजिटिव मिलेंगे। और फिर हमारा आता है लिस्ट में अगला प्लांट, क्रेसुला ओवाटा का। कुछ लोग जेड प्लांट को भी क्रेसुला ओवाटा मानते हैं, बट अच्छा प्लांट वो भी माना जाता है, बट वो अलग है और ये अलग है। क्रेसुला में जो ओवाटा वाली वैरायटी है वो शुभ मानी गई है,
और वास्तु के हिसाब से इसको मनी को खींचने वाला प्लांट माना गया है। और इसकी जो लगाने की सही डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अगर आप गलत डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। और अगले जो प्लांट है वो हमारे हैं, हाँ जो क्रेसुला वाटा का प्लांट है वो 40-50 रुपए तक में आ जाता है। फिर आता है हमारा लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल। नाम से ही जैसे पता चलता है ये लक्ष्मी जी के और विष्णु जी के प्रतीक हैं। इनकी सेवा करने से ये दोनों प्रसन्न होते हैं और धन की बौछार होती है। और ये 100 रुपीज के आसपास नर्सरी से हमें मिल जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो न्यू है चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। और देखिए नई वीडियो में फिर मिलते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्लांट फ्रीक नाम से आईडी है मेरी। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।